arrangement of electrons in first 18 elements and recognition of groups and periods in specific periodic table assalam As alaikum students welcome you all on the platform of digital academics provided by moonlight international publishers in this video we will discuss वट आर द फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स एंड इन विच मैनर इन विच इनक्रीजिंग मैनर वी कैन अरेंज दीज एलिमेंट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पेडिक टेबल को देखें और हम फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे अगर आप पेडिक टेबल के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर देखें तो जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन तो इसका जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक और इसमें कितने शेल एग्जिस्ट करेंगे एक शेल हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आता है आपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर पहले का अटोमिक नंबर एक है दूसरे का अटोमिक नंबर दो तीसरे का तीन चौथे का चार पाँचवें का छः इस तरह से इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर्स की बेस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जाता है अगर आप डायग्राम में देखें तो हाइड्रोजन का जो नंबर है अटोमिक नंबर है दैट इज़ वन फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हीलियम हीलियम का अटोमिक नंबर इज़ टू और इसके अंदर जो शेल है वो पहले शेल के अंदर ही दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फिर नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या आता है लिथियम लिथियम के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थ्री इलेक्ट्रॉन्स में से जो टू फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पहले शेल में आ जाएंगे लेकिन जो नेक्स्ट शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके अंदर टोटल कितने शेल होंगे टू शेल लेकिन जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक ही होगा इसी तरह जो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा तो हमने अपना फर्स्ट देखा एलिमेंट दैट इज इस हाइड्रोजन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है फिर आता है हीलियम इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है फिर आता है लिथियम इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है फिर आता है बेरीलियम इसके अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर आता है बोर इसके अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स है फिर कार्बन कार्बन के अंदर नेक्स्ट सिक्स फिर आता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंदर सेवन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर एट आते हैं अब आप ये देखें कि इसके अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आप इसके शेल्स को स्टडी करना चाहें तो जो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पहले शेल के अंदर आ जाएंगे के शेल के अंदर जो नेक्स्ट सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगले शेल में मूव कर जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप इसको रिकॉल करें मेरे साथ हाइड्रोजन फर्स्ट वन पे क्या आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसी तरह से इनके ऑटोमिक नंबर्स भी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ऑक्सीजन का जो आपके पास इंक्रीजिंग ऑटोमिक नंबर है दैट इज एट फिर उसके बाद आता है आपके पास नियन एट जो ऑटोमिक नंबर है दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑटोमिक नंबर क्या होता है एट ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट आप देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन का अटोमिक नंबर क्या है नाइन फिर उसके बाद आता है नियोन नियोन का ऑटोमिक नंबर टेन है उसके बाद आप किसके ऊपर आ जाते हैं थर्ड पीरियड के ऊपर फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं टू हाइड्रोजन और हीलियम जो सेकेंड पीरियड है उसके अंदर कितने हैं लिथियम बेरेलीम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियोन फिर आप आ जाते हैं थर्ड पीरियड के ऊपर तो थर्ड में क्या आता है पहला सोडियम सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम फिर एलुमिनियम उसके बाद आता है सिलिकॉन सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस फिर आपके पास सल्फर आता है सल्फर के बाद क्लोरिन क्लोरीन क्लूरी, के बाद आता है ऑर्गोन अगर आप फोर्थ पीरियड पे मूव करें तो इसमें पोटाशियम और कैल्शियम और फर्दर आ जाते हैं लेकिन हमने वन टू एट को स्टडी करना है हमने ये देखा कि वन से एट तक जितने भी एलिमेंट थे वो फर्स्ट थ्री पीरियड्स के अंदर आए फर्स्ट पीरियड के अंदर दो सेकंड जो दो है उनके अंदर एट एट आते हैं उससे नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें एटीन एटीन आएंगे और उससे नेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे तो उसमें थर्टी टू एलिमेंट्स आ जाएंगे अब नेक्स्ट हम हमने यहाँ तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीजिंग ऑटोमिक नंबर के हिसाब से किस तरह अरेंज किया जाता है अब हम देखते हैं कि पीरियड्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इन द पीरियडिक टेबल तो अगर आप पीरियड्स को देखें तो जो फर्स्ट पीरियड है वो शॉर्ट होता है उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं छोटा सा होता है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है टू पीरियड्स फर्स्ट वाला शॉर्टेस्ट टेस्ट केल है सेकंड और थर्ड वाला शॉर्ट पीरियड है इसके अंदर एट एट एलिमेंट्स आते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने के बाद हम देखेंगे कि वट इज़ द पीरियड पीरियडिक रिप्रेजेंटेशन या पेडिक मैनर इन पेरीओडिक टेबल अगर आप पीरियड्स को देखते हैं पेॉडिक टेबल के तो इसका जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स आते हैं इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है जो सेकंड और थर्ड वाला पीरियड है उसके अंदर एट एट एलिमेंट्स आते हैं और इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ वाला पीरियड है उसके अंदर एटीन एलिमेंट्स आते हैं और इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है नेक्स्ट जो लास्ट पे टू बचते हैं उनको आप कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड क्योंकि इसके अंदर 32 और फर्दर 64 फोर इनक्रीजिंग एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो अगर आपसे पीरियड के डेफिनेशन पूछे जाए तो आप क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं पीरियड नेक्स्ट हम देखते हैं वट इज द ग्रुप मैनर इन द पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स को कैसे अरेंज किया जाता है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स को ऑन द बेस ऑफ सेम वैलेंस सेल या सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इंक्रीजिंग होता है लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही रहता है तो अगर आप ग्रुप देखते हैं पिराडिक टेबल का तो आप देखेंगे कि एक पेडिक टेबल के अंदर वन से लेकर एटीन तक ग्रुप से एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके डिफरेंट नाम होते हैं ऑन द बेस ऑफ दियर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप है तो इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं लिथियम है उसके बाद सोडियम है उसके बाद पोटाशियम है ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अल्कली हैं मेटल्स इनको कहा जाता है फ्राम फ्रॉम द अर्थ ये एग्जिस्ट करते हैं इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है अगर आप दूसरे ग्रुप को देखते हैं तो दूसरे ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है इसी तरह अगर आप लास्ट वाले बिल्कुल लास्ट वाले ग्रुप को देखते हैं तो उसके अंदर नोबल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उससे पिछले वाला अगर आप ग्रुप देखते हैं लास्ट वाला जो नोबल गैसेस का है जिसमें फ्लोरीन गैस आती है और उसके बाद उसमें क्लोरीन आता है डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं मतलब जो लास्ट वाला ना बिल्कुल लास्ट वाला जिसका वेलेंसल कम्प्लीट होता है उसको क्या कहते हैं नोबल गैसेज और नोबल गैसेस से पीछे वाला जो ग्रुप है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है जिसको आयनिक बॉन्ड से आप रिसीव कर लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया व्हाट आर द डिफरेंट मैनर्स ऑफ पीरॉडिक टेबल पीरॉडिकली एंड ग्रुप मैनर्स आपने इनके डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करना है तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट जो फ़र्स्ट एटीन एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन देखी कि पेयोडिक टेबल के अंदर उनको किस तरह से अरेंज किया गया है फ़र्स्ट टू के अंदर फर्स्ट टू जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं उनका क्या नाम है इन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया फिर हमने देखा कि एक पेडिक टेबल के अंदर किस तरह से दो मैनर से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एक पेडिक मैनर होता है और एक ग्रुप का मैनर होता है जो पेडिक मैनर होता है उसको हॉरिजॉन्टल मैनर कहा जाता है और जो ग्रुप का मैनर होता है उसको वर्टिकल मैनर कहा जाता है अगर आप ग्रुप्स की अमाउंट को देखते हैं कि ग्रुप कितने एक पीरियडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स पाए जा रहे हैं तो वो एटीन ग्रुप हैं और अगर इसी तरह आप पीरियड्स को देखते हैं कि एक पीरियडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड है तो दैट इज़ सेवन पीरियड जो फर्स्ट पीरियड है वो शॉर्टेस्ट है नेक्स्ट टू जो है वो शॉर्ट है उससे नेक्स्ट टू लॉन्ग और उससे आगे वाले जो है वो लॉन्गेस्ट है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और जो एलिमेंट्स की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर की बेस पे एक पिरोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है अल्लाह हाफिज़